और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं रिक्शे में बहन को पिक करने के लिए। लेट नाइट की फ़्लाइट थी उसकी, और गाड़ी करने के थोड़ी देर के बाद ही हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। ये पहला क्लिप था जब मैं घबरा रही थी। जब आप नए नए यूट्यूबर होते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लोग देख रहे होते हैं आपको कि आप कैमरा पकड़ के किसी से बातें करते हुए चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी। तो ये पहले क्लिप में कुछ भी नहीं बोल सकी मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज मैं आई हूँ दुबई, दुबई से मेरी बहन आ रही है, उसको कराची एयरपोर्ट पे लेने के लिए आई हूँ। और जो है, जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जो हैं, जो कराची से बाहर हैं, जिन्होंने कभी कराची का एयरपोर्ट नहीं देखा, तो थोड़े से उसके नज़ारे कराने के लिए, आप लोगों के लिए शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो बस अंदर जा रही हूँ, बहुत लंबा रास्ता है यहाँ से जो है पैदल का। बाहर हम लोग उतर गए थे क्योंकि हम लोग रिक्शे से आए हैं, और अब पैदल चल के जा रहे हैं। सामने एयरपोर्ट है, और जी ये आ गया है एयरपोर्ट। अभी भी थोड़ा सा लंबा रास्ता है अंदर जाने का। सामने ही मैकडॉनल्ड बना हुआ है। तो ये है कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची की मसरूफ तरीन मशहूर तरीन जगह। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मैं थोड़ा सा डर रही थी यहाँ पर वीडियो शूट करते हुए कि कहीं सिक्योरिटी के पेश नज़र आपको पकड़ ना लिया जाए कि भाई आप क्यों वीडियो बना रही हैं एयरपोर्ट की, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के सीन्स यहाँ पर शूट किए हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। एयरपोर्ट हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, तो बहन की फ़्लाइट आने में टाइम था, तो मैंने सोचा था क्यों ना थोड़ी सी सेल्फीज ले लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो भी मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो बहन की फ़्लाइट आने में अभी थी कुछ वक्त था, फ़्लाइट आती फ़्लाइट उतरती, वो बोर्डिंग में सामान निकालती, इसमें काफ़ी वक्त लग जाता। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं और थोड़ा सी शूटिंग भी कर लेते हैं, जहाँ जहाँ की भी मुमकिन हो सका आप लोगों के लिए शूट कैप्चर सीन कैप्चर किए हुए हैं मैंने। और देखें आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा कराची का एयरपोर्ट। ये बहुत खूबसूरत से सफ़ेद कलर के गुलाब लगे हुए थे, गार्डन सा था ये सामने ही, इसके कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है, कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके सामने ही गार्डन बना हुआ है। तो मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत जो है अट्रैक्टिव था ये। तो हम लोग यहाँ पर टहल लेते हैं, उसकी फ़्लाइट का वेट भी कर रहे थे। और लीजिए जनाब, फाइनली आखिरकार 1.5 से 2 घंटे की वेट के बाद बहन आ गई थी बाहर। मिलने के बाद हम लोग अब कैब अरेंज करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि पे इंतहा थकन हो गई थी और फिर सैरी भी करनी थी, और थोड़ा सा लेटना भी था, तो इसलिए कोशिश थी कि जल्द से जल्द बस घर की तरफ भागें। और फाइनली अगले दिन, जैसे कि हर किसी के आने के बाद होता है, हम लोग लग गए थे रिश्तेदारों के लिए ईद में आने वालों के लिए सामान चेक करने की, कौन क्या चीज़ किसको देनी है। ज़्यादातर चॉकलेट्स ही लेकर आती है वहाँ से, परफ्यूम्स लेकर आती है, कुछ मेरे ऑफिस वालों के लिए होता है, कुछ जानने वालों दोस्तों रिश्तेदारों के लिए होता है। तो कोशिश करते हैं कि सबको कुछ ना कुछ जो है दिया जाए, इससे मोहब्बतों में इजाफा होता है। ज़ाहिर है कोई कीमती चीज़ तो वहाँ से कोई ला नहीं सकते, क्योंकि सब लोग वहाँ पर कमाने के लिए गए हुए होते हैं, सेविंग्स के लिए गए हुए होते हैं, बट कोशिश होती है कि लेकर आएँ, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएँ। तो जब देंगे तो मोहब्बतों में इजाफा भी होगा, और सुन्नत रसूल भी हैं, तो इसलिए बस इस काम में लगे हम लोग। और इस तरीके से मेरी बहन का आना मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।